मेरिट भर्ती 2015-16 में खाली सीटों के लिए संघर्ष कर रहे सभी भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, दिनांक 21-1-2020 दिन मंगलवार को हम लोगों का डेट लगा हुआ था। रीट संख्या 26813/2018, कोर्ट नंबर 36, सीरियल नंबर अनलिस्टेड 1। जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी के कोर्ट में अपना केस लगा हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा, लगातार 19 तारीख से हेडक्वार्टर में आईजी, डीआईजी, तमाम आईएस पीसीएस के अधिकारी मीटिंग में लगे हुए थे। उनके वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लगे हुए थे पैरवी में कि अपना केस डिसमिस करवाने के चक्कर में। लेकिन हम लोग भी संघर्ष जितना हो सकता है उससे काफी ज्यादा करते रहे। जैसे जैसे इनपुट मिलता रहा, उसी इनपुट के आधार पर हम लोग भी अपना तैयारी करते रहे। मित्रों, भर्ती बोर्ड पूरी कोशिश में था, हेडक्वार्टर और भर्ती बोर्ड एक होके पूरी कोशिश में थे कि हम लोगों का केस डिसमिस करवाने के चक्कर में पूरा जत्था से आए हुए थे। आईजी, डीआईजी, एसपी, सीईओ, एसओ, तमाम कांस्टेबल, तमाम भर्ती बोर्ड के पैरोकार, तमाम अधिवक्ता लगे हुए थे। लेकिन हम लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा है, हनुमान स्वामी का आशीर्वाद है, तो वो कितनों कोशिश कर लें उनका कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग सत्य हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। परेशानी जरूर होता है जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन पराजित नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों का लगभग 14-15 बहस हो चुका है, 18 जनवरी 2018 से हम लोगों का लड़ाई प्रारंभ हुआ है और लगभग साल भर से ऊपर हो गया है। 14-15 बहस हो चुका है, कभी किसी बहस में हमारे खिलाफ नहीं आर्डर गया है। चाहे जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी हो, चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा जी हो, चाहे जस्टिस सुनीत कुमार जी हो, हम लोग का जस्टिस सुनीत कुमार जी की यहाँ भी बहस हुआ है, जस्टिस यशवंत वर्मा जी की यहाँ हुआ है, जो सबसे तेज तर्रार जजों में से माने जाते हैं, वहां भी हम लोगों के पक्ष में सुनवाई हुआ है। क्योंकि हम लोग लीगल हैं, जो चीज मांगते हैं भर्ती बोर्ड या हेडक्वार्टर देने में आनाकानी कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको डर है, उनको भयभीत हैं कि जैसे ही हम डाटा देते हैं वैसे अलाउ हो जाएगा। लेकिन अब चलने वाला नहीं है। साल भर भर्ती बोर्ड गुमराह किया, अब हेडक्वार्टर कर रहा था, लेकिन अब उनका चलने वाला नहीं है। क्योंकि जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी, उनका जो सोच है वो पढ़ चुके हैं और हम लोग लीगल हैं, सत्य हैं, जो चीज मांग रहे हैं वो हेडक्वार्टर भी देने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन अब उनका चलने वाला नहीं है। उनको लास्ट मौका 12-2-2020 दिन बुधवार को दिया गया है। जब तो इस डेट में वो सही सही करेक्ट डाटा नहीं प्रस्तुत किए जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी के कोर्ट में, तो एक पछीये कार्रवाई, क्योंकि कंटेम्प्ट करेंगे। उन्होंने जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी ने कह दिया है कि जदो सही और करेक्ट डाटा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया तो कंटेम्प्ट किया जाएगा। क्योंकि जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी बार बार कहते रहे, और जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी ही नहीं, यशवंत वर्मा जी ने भी भर्ती बोर्ड से मांगा डाटा, सुनीत कुमार जी ने मांगा डाटा, लेकिन ये लोग हिल्ला हवाली करते रहे, गुमराह करते रहे। और बार बार कोर्ट को आप गुमराह करोगे तो कंटेम्प्ट करेगा कोर्ट। जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी ने साफ साफ शब्दों में बता दिए हैं कि जब तो आप करेक्ट डाटा नहीं लाओगे तो एक पक्षीय कार्रवाई होगा, कोर्ट अपना फैसला रिजर्व करेगा। तो इनको ये रोना शुरू किए थे हेडक्वार्टर, इनके डीआईजी बताते थे
सरकारी अधिवक्ता को, और वो कहते थे हर जिला से डाटा मांगा गया है, समय लगेगा। जज साहब ने कहा कि ये साधारण घर से बिलोंग भी करते हैं, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये डाटा पूरे प्रदेश के जो भी 99 सेंटर हैं उनका डाटा ये जुटा सकते हैं, जितने मेडिकल सेंटर हैं वहां से ये डाटा ला सकते हैं। आप तो बड़े बड़े अधिकारी हो, क्या आप डाटा नहीं ला सकते हो? जब इनको डांट पड़ा तब इनको पता चला कि अब डाटा हमको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये 2 माह का समय मांग रहे थे। जब साहब कहे ना, आपको 3 सप्ताह मैक्सिमम समय दिया जाता है और इस समय के भीतर फर्दर टाइम फर्दर हेयरिंग, इस समय के भीतर आपको 12 फरवरी दिन बुधवार 2020 को सही सही डाटा लाके कोर्ट में हल्फनामा लगाना होगा, नहीं तो एक पक्षीय कार्रवाई होगा। यह हमारे फेवर का है और फेवर की बात नहीं है, ये सत्य है और सत्य का जीत होता है। कोर्ट बार बार मांगे और आप ना दो, कोर्ट जो कह रहा है उसको आप ना देके केस को उलझा रहे हो, समय बिता रहे हो, डिसमिस कराने की सोच रहे हो। जज साहब ने यह भी कहा कि जो 2015 में अभ्यर्थी ऑनलाइन किए थे वो सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखो और उनकी भविष्य की सवाल है। और आप केस को गुमराह कर रहे हो, कोर्ट को गुमराह कर रहे हो। तमाम डांट पड़ने के बाद डीआईजी आईजी जो भी उनके जत्था में आए हुए थे, तमाम अधिकारी तमाम फाइल लेके आए थे, तमाम मनगढ़ंत कहानी बना के आए थे, लेकिन एक भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग सत्य हैं और हम लोग भी संघर्ष करते हैं, पूरी तैयारी से रहते हैं। जिस दिन डेट रहता है चाहे सोए या ना सोए, खाएं या ना खाएं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खुद अपने भी लड़ते हैं अपने लिए, और हजार भाई और बहनों की जिंदगी की बात रहता है, 48 घंटा भी नहीं सोते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे लिए केस महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी की सवाल है। हम आप सब ओवर एज हो चुके हैं, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, ये हमारे लिए आखिरी है। जब तो ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग सोते नहीं है, बाकी जस अप जस परिणाम ईश्वर के बस में है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना। और जो संघर्ष करते हैं कोशिश करते हैं, गीता में उपदेश है, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि परिणाम मनुष्य के हाथ में नहीं है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जो संघर्ष करता है उसे परिणाम जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, जो आज तक संघर्ष किया है किया गया है उसका परिणाम मिला है, और आने वाला 20 आने वाला 12 फरवरी दिन बुधवार को हम लोगों के भविष्य का इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। रीट संख्या 26813/2018, ये अपने लिए नहीं, 2015-16 आने वाले कई भर्तियों में लाभ दिलाएगा मेरा आर्डर, चाहे वो 18 की भर्ती हो और चाहे 2019 की भर्ती हो, सबको नॉट ज्वाइनिंग की सीटें मिलेगा, मेडिकल अपसेट अनपेड और फर्जी मार्कशीट ये सबको मिलेगा। तो आने वाले कई भर्तियों में बेनिफिट देगा और कई भाइयों को लाभ देगा, भविष्य सौरेगा। हम अपने लिए लड़ते हैं और 2015-16 के तमाम भाई और बहनों के लिए लड़ाई जारी है और लड़ा जा रहा है, लेकिन आने वाले हजारों भाइयों को ये ऑर्डर एकदम ब्रह्मास्त्र के तरह कार्य करेगा। मित्रों, कुछ ऐसे बात होता है जो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, कुछ मजबूरियां हैं, नहीं तो पूरी बात आप लोगों को बताया जाता, लेकिन आइडिया और वीडियो इतना वायरल होता है कि हर एक बात बताना सही नहीं है, क्योंकि अब भारतीय बोर्ड और हेडक्वार्टर के टारगेट में हम आ चुके हैं, वो जान चुके हैं, क्योंकि उनको कोर्ट तक आने में ये
उनको पता है कि अजय मिश्रा का ही हाथ है, इसलिए टारगेट पे हम हैं, तो हमको भी थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि हर एक बात आप लोगों को आईडी या वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, यह हमारी मजबूरी है। और इस फीलिंग को आप लोग समझिएगा, आप परेशान न रहिएगा, आपके हित में सारे कार्य हो रहे हैं। और आने वाले दिन बुधवार 12 फरवरी जरूर इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। 2015-16 मेरी भर्ती, जितने भी खाली सीट है, जितने भी हमारे पेटिशनर हैं, उनको वर्दी मिलेगा, इसमें जरा सा भी लेकिन नहीं है। आप ऑर्डर में पढ़ लीजिएगा, आज पेपर में भी निकला है कि लास्ट मौका दिया गया है, जब तो वो करेक्ट डाटा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो एक तरफी है, उनके विपक्ष में कार्रवाई कोर्ट करेगा। आप जज के लिए छोटी बात नहीं है, कहना हम लोगों के लिए छोटी बात है, लेकिन ये छोटी लाइन नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है। तो जज साहब कहे हैं तो बहुत बड़ी बात है पेटिशनरों के लिए, और मजबूरन कहना पड़ा जज साहब की, क्योंकि कई बार मांग चुके और हेडक्वार्टर भर्ती बोर्ड इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। यशवंत वर्मा जी भी मांगे थे, सुनीत कुमार जी भी मांगे थे, और यमसी त्रिपाठी जी भी कई बार मांग चुके, और कोर्ट के बार बार बात ना मानना टालना एक कोर्ट का अवहेलना है। और जब तो अवहेलना भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर करेगा तो कंटेम्प्ट जरूर करेंगे जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी, और कंटेम्प्ट हुआ तो एक पक्षीय कार्रवाई होगा। मित्रों, कोई भी पेटिशनर छूटने नहीं पाएगा जो 26813/2018 में जुटा है, चाहे उनका नंबर कम हो या बेसी हो, अलग बात है, हमारी लड़ाई पेटिशनर के पक्ष है, याचियों के पक्ष में है कि याचियों को वर्दी मिलना चाहिए। जितने भी भाई और बहन जुड़े हैं, संघर्ष में सहयोगी हैं, साथ दे रहे हैं, उनको वर्दी मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है और सत्यता से कार्य किया जा रहा है और सफलता दिख रहा है। मित्रों, किसी भाई और बहन को कभी पैसे के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया है, किसी से जबरदस्ती कभी नहीं लिया गया है, जो भी कार्य किया गया है वो राय और सलाह लेके किया गया है, और ऐसा किया गया है किसी भाई को परेशान ना होना पड़े पैसे के लिए, चाहे वो गरीब भाई हो या अमीर भाई हो, वर्दी सबको मिलना जरूरी है, पैसे के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया गया है और ना किया जाएगा। हम भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि पैसा कैसे आता है। तो मित्रों, आप लोग धीरज से काम करिए, ईश्वर आप पे कृपा नहीं बरसा रहे हैं, माता रानी का कृपा बरस रहा है। आने वाला 12 फरवरी दिन बुधवार को जजमेंट जरूर आएगा, और आपके माँ बाप का जो सपना है, आपका जो सपना है वो पूर्ण होगा, आपको वर्दी मिलेगा। आप ग्रुप में शांति बना के रहिए, और बाकी जो भी और बातें होंगे आगे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, कभी कभी आप लोग फोन करते हैं, सही से नहीं बात कर पाता हूँ, क्योंकि इतना मेंटली डिस्टर्ब रहना पड़ता है, इतना प्रेशर रहता है आपके लिए, तो सिर्फ एक ही प्रेशर रहता है, सुनवाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि हर एक बात आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि आप भयभीत हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कोर्ट में बहुत उतार चढ़ाव आता है, और उस उतार चढ़ाव को सह के आगे बढ़ा जाता है, बहुत कुछ सामने आता है, फिर उस जो भी बात सामने आता है उसका तोड़ निकाला जाता है। अधिवक्ताओं, जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं, राय सलाह लेके उस डॉक्यूमेंट को जुटाया जाता है, फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, उसी से सफलता मिलता है। तो आप लोग परेशान ना रहिएगा, जब तो हम सभी भाइयों को कोशिश यही करते हैं, फोन उठा लेते हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब होने के वजह से आपसे बहुत सही से बात नहीं कर पाते हैं, इस बात को हमें भी खेद है कि आप भी हमारे एक भाई हो, बहन हो,
लेकिन हमारी मजबूरी है कि डेली 500-600 फोन आना रिसीव करना। हम भी आपके जैसे एक सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपने दिया है, नेतृत्व दिया है, तो पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाया जा रहा है। जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाता है, तब तक ना सोऊंगा, और जो हमारे वर्दी के बीच में रोड़ा पड़ेंगे ना उनको सोने दूंगा। चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो मुख्य सचिव हो, सबको कटघरे के अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये न्यायपालिका है, न्यायालय है। यहाँ से वो गुमराह नहीं कर सकते हैं। हमारा आपका बात काट देंगे, लेकिन न्यायालय का बात नहीं काट पाएंगे। तो आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए, बहुत जरूरी हो तभी फोन करिए। हम भी चाहते हैं आप लोगों से आराम से बात करें, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आपका बहुत सही से बात नहीं कर पाते हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन आपको बहुत जरूरी रहे तभी फोन करिए, वरना फोन करने से आप लोग बचिए। और फोन करने का समय सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कोशिश करिए सुबह करने का, और रात में लगभग 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में करिए, जिससे हमें दिन में काम करने का मौका मिले। और जो भी हम केस के बारे में डॉक्यूमेंट जुटा पाए वो जुटाएं, जिससे आपको वर्दी दिलाने में हम सफल हों। जो हम लोगों का वादा है वो पूर्ण हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।